लेके आपके लिए टेक बन रहा है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर लेना, और बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, जिससे हमारी डेली टेक न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। और वहीं मैं बात करूँ तो कल की वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो आज भी बहुत गर्मा गर्म टेक न्यूज़ निकल के सामने आई। तो पहली न्यूज़ की मैं बात करूँ तो वीवो की तरफ से सामने आई। तो मैं आपको बता दूँ, जो वीवो Z6 तो आखिरकार इसकी लॉन्चिंग डेट कन्फर्म हो चुकी है, 29 फरवरी को आपको चाइना में देखने को मिलेगा। और वहीं की मैं बात करूँ तो इसके स्पेक जो पता चले मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपको पीछे की साइड क्वाड कैमरे देखने को मिलेंगे और पीछे की साइड ही रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिलेगा। और वहीं मैं बात करूँ तो इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 765G वाला आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो पंच होल डिस्प्ले के साथ आपको देखने को मिलेगा, 5000 बैटरी देखने को मिलेगी, 44 वाट का आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा और कूलिंग सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा अगर आप गेम खेलते हो तो। ये 29 फरवरी को चाइना में आपको देखने को मिलेगा। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो वीवो का एक और स्मार्टफोन सामने आया है स्पोर्टो के ब्लूटूथ साइड पे, मैं आपको बता दूँ कौन सा, वीवो Y21। तो ये स्मार्टफोन भी आपको देखने को मिल सकता है, इसमें ब्लूटूथ 5.0 आपको देखने को मिलेगा और कुछ जानकारी सामने नहीं आई। तो वहीं मैं बात करूँ तो ये आपको देखने को मिल सकता है बहुत जल्दी। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो इस स्मार्टफोन में वीवो Y21 नाम 2020 नाम से आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। तो ऐसे न्यूज़ है तो देखेंगे आगे क्या होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा जो वीवो का IQOO, ये अलग ही ब्रांड है आपको पता होगा, तो IQOO ये स्मार्टफोन भी आपको 25 फरवरी को देखने को मिलेगा, लेकिन आखिरकार ये विराट कोहली के साथ आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट लॉन्चिंग। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो इसमें विराट कोहली ने ऐसा कहा कि इसमें आपको बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। और वहीं बात करूँ गेमिंग के लिए भी ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा, और ये जिक्र नहीं है कि इसमें फास्ट वाट का चार्जिंग होने वाला है या नहीं होने वाला, लेकिन ये आपको बड़ी बैटरी के साथ देखने को मिलेगा कि आप सोच सकते हो आप देखेंगे। ये अगर मैं बात करूँ तो विराट कोहली है, तो वहीं मैं बात करूँ तो इसकी प्राइस है जो भी लीक होकर सामने आई IQOO 3 की, तो मैं आपको बता देता हूँ ये प्राइस आपको जो 5G वारंटी दी आपको 45,000 तक देखने को मिलेगा, मतलब 45,000 के अंदर देखने को मिलेगा। और जहीं मैं बात करूँ तो 4G वारंटी, तो 4G वारंटी आपको 35,000 के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये जो कुछ प्राइस है जो IQOO 3 की देखने को मिलेगी, और ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों स्टोरों पर आपको देखने को मिलेगा। और वहीं मैं बात करूँ तो फ्लिपकार्ट है जिससे इन्हें पार्टनरशिप भी की है गेमिंग के लिए, तो आप सोच सकते हो ये गेमिंग फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। मैं बात करूँ तो एंड्रॉइड 11 का आखिरकार प्रीव्यू डालना स्टार्ट कर दिया है गूगल ने। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो एंड्रॉइड 11 आपको पिक्सल फ़ोनों में पहले देखने को मिलेगा, पिक्सल 2, पिक्सल 3, पिक्सल 4, अगर ये सीरीज़ के स्मार्टफोन्स है तो आपको इनमें देखने को मिलेगा। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो जो इसमें आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, इसमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ स्मार्टफोन्स है जिसको प्रीव्यू देखने को मिलेगा, और स्मार्टफोनों में आपको इसी साल तक आपको देखने को मिलेंगे एंड्रॉइड 11। हो सकता है लॉन्च करे एंड्रॉइड 11 इस साल में, लेकिन आपको 2021 तक रोल आउट देखने को मिले। ओके, टेक्निक्स की मैं बात करूँ टिकटॉक की तरफ से, तो टिकटॉक की तरफ से अच्छी और बुरी दोनों खबर आ रही, तो मैं पहले आपको अच्छी खबर बता देता हूँ। तो आखिरकार टिकटॉक पे जो पेरेंट्स कंट्रोल फीचर आपको देखने को मिलेगा बिबली पे, तो वहीं मैं बात करूँ जो बिबली होता है उस पर जाओगे तो आप टिकटॉक की सेटिंग में, तो इसकी सीरीज़ में आपको डाल रहा हूँ टिकटॉक पे। अगर आपने मेरे को टिकटॉक पे फॉलो कर रखा है तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। तो ये फीचर अच्छा देखने को मिलेगा, जो कि 13 साल से कम है उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं पेरेंट्स, तो ये आपको फीचर देखने को मिलता है। और मैं बात करूँ तो बुरी खबर की, टिकटॉक पे अभी स्कल ब्रेक चैलेंज चल रहा है, जैसे आपको पहले ब्लू बेल चैलेंज देखने को मिला था वैसे ही अभी स्कल ब्लू चैलेंज देखने को मिला था। इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, मतलब 3 बंदे रहते हैं, मतलब कैमरे को फेस करके सामने खड़े रहते हैं, और जो भी जंप मारता है, मतलब बीच का बंदा जंप मारता है, तो उनके मतलब पग फंसा के उसको गिरा देते हैं नीचे। तो सोच सकते हो इससे डॉक्टर बता रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अचानक गिरने से उनके जो स्कल है उस पर भी लग सकती है, और वही बात करो तो कुछ भी टूट सकता है। तो ऐसा अभी चैलेंज चल रहा है टिकटॉक पर, तो सोच सकते हो आप, तो अगर चैलेंज से बचना चाहते हो तो कृपया करके ये चैलेंज करना मत और किसी के साथ ऐसा करना मत। इसकी मैं बात करूँ तो शाइमिंग की तरफ से आ रही, तो शाइमिंग का भी एक और नया पैटर्न सामने आया। तो मैं आपको बता दूँ शाइमिंग MI Mix 2020 नाम से ये पैटर्न सामने आया। तो वहीं अगर मैं बात करूँ तो इस पैटर्न में आपको डुअल स्क्रीन देख रहे होंगे, जैसे मोटोरोला एज में वैसे ही स्क्रीन दिखाई दे रही है। और वहीं मैं बात करूँ तो इसमें कैमरा नहीं दिखाई दे रहा, ना नॉइज दिखाई दे रही है, ना पॉपअप दिखाई दे रहा है, और ना कुछ दिखाई दे रहा है। वहीं मैं बात करूँ तो इसमें हो सकता है कि जो नया पैटर्न फाइल हो रहा है, एंड डिस्प्ले प्रिंट फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिले। तो अभी कंपनी काम कर रही है, तो ये पैटर्न है जो सामने आया, तो आप सोच सकते हो। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो जो शाइमिंग ने आखिरकार अपना टूथपेस्ट भी लॉन्च कर दिया, MI इलेक्ट्रिक टूथपेस्ट T300, तो ये नाम से आपको ये टूथपेस्ट देखने को मिलता है। और वही बात करूँ तो इसमें 25 डे की आपको बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी, और जब भी आप दांत करोगे तो बहुत अच्छे से आपके क्लीन होंगे, रोटेट के डिग्री, तो ये सब करके आप बहुत अच्छे से एक टाइमर सेट कर सकते हो, कितनी देर आपको दांत साफ करना, तो ऐसे टाइम सेट करके आप कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और फिर बात करूँ प्राइस की, 1299 रुपये आपकी इसकी प्राइस देखने को मिलती है, तो ये आप जाकर सर खरीद सकते हो, जो MI की क्राउड फंड स्टोर है वहाँ से आप खरीद लीजिए। अगर आप खरीदना चाहते हो तो इसको 7 डेज के अंदर आप खरीद सकते हो, तो कुछ 1000 यूनिट इन्हें रखी है। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो जो Redmi K13 Pro है, तो इसकी आखिरकार जो
तीसरी सर्टिफाइड लिस्ट होकर सामने आया, 300 सर्टिफाइड लिस्ट होकर सामने, तो मैं आपको देता हूँ क्या सामने आया। इसमें आपको 33 फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलेगा। तो देखेंगे रेडमी K13 प्रो में तो ऐसा सामने आया अभी को, तो शायद जो पोको X2 स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। तो आखिरकार ऐसी न्यूज़ सामने आ रही जो पोको X2 आपको उसका मास्टर एडिशन देखने को मिलेगा। और मैं बता दूँ कौन सा रैम 6 GB में 128 GB इंटरनल स्टोरेज का। तो ऐसे न्यूज़ सामने है कि आपको मास्टर एडिशन देखने को मिलेगा पोको X2 का। तो देखेंगे आखिरकार क्या है। इसकी मैं बात करूँ तो सैमसंग की तरफ से आ रही, तो आखिरकार जो सैमसंग गैलेक्सी जेड फील्ड स्मार्टफोन आपको पहले देखने को मिला था, 11 फरवरी को ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था। तो इसके स्पेक 6.7 इंच के आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, स्नैपड्रैगन 855+ वाला आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है इंडिया की आखिरकार सामने आ चुकी है। पहले मैं आपको देता हूँ, पहले सामने नहीं आई थी इसकी प्राइस क्या है इंडिया की, तो मैं आपको बता देता हूँ ये 1,09,999 रुपये में आपको देखने को मिलता है। तो सोच सकते हो इतनी इसकी प्राइस है इंडिया की। तो ये साइज़ जो गैलेक्सी फोल्ड स्मार्टफोन था उससे कम प्राइस आपको देखने को मिलती है, तो आप सोच सकते हो। और वही मैं बात करूँ तो इसकी प्री ऑर्डर्स कल से स्टार्ट होने वाले हैं। और वही मैं बात करूँ तो ये आपको हाथ में देखने को मिलेगा 26 फरवरी को। तो अगर आपने प्री ऑर्डर करते हो कल 21 तारीख से, तो आपको ये 26 फरवरी को आपको हाथ में देखने को मिलेगा। मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर बताना कि प्राइस कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी। इसकी मैं बात करूँ तो रियलमी की तरफ से रही, तो आपको पता होगा जो रियलमी X50 Pro 5G स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने मिलेगा 24 फेब को। तो वहीं अगर मैं बात करूँ तो इसमें स्नैपड्रैगन 865 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 65 वाट का आपको फास्ट चार्जिंग देखने मिलेगा, सुपर डार्क वाला जो बोलते। वहीं मैं बात करूँ पीछे क्वाड कैमरा देखने मिलेगा, 32 MP की आपको फ्रंट सेल्फी देखने मिलेगी, डुअल सेल्फी मोड आपको देखने मिलेगा, वाइट अल्ट्रा वाइट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब तो आपको देखने को मिलेगा, वो बात अलग है, लेकिन प्राइस क्या होगी ये आपको पता होगा मेन। लेकिन आखिरकार ऐसी न्यूज़ सामने आई जो इसकी प्राइस है वो 50,000 के तक आपको देखने को मिलेगी, मतलब 50,000 तक इसकी प्राइस आपको देखने मिल सकती है जो रियलमी X50 Pro 5G स्मार्टफोन लॉन्च होगा। तो देखेंगे आपको पता होगा, 5G तो अभी है नहीं इंडिया में, तो आप बात करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन कंपनी तो पीछे पड़ी हुई है अपने 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की। हम तो रियलमी X50 Pro 5G ये आपको 50,000 तक देखने को मिलेगा। तो आप सोच सकते हो आज के जो डेली ऑफर की हम लोग बात कर लेते हैं, तो दो ऑफर आ रहे, तो मैं आपको बता देता हूँ फ्लिपकार्ट से ही आ रहे हैं दोनों ऑफर, जो आपको पता होगा फ्लिपकार्ट सेल चल रही है उस पर। तो अगर आप रियलमी की स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो खरीद लीजिए रियलमी एक्स, रियलमी एक्स टी और रियलमी 5 Pro, रियलमी 5, तो इन पर बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको देखने मिलेगा अगर रियलमी के स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो। और लैपटॉप्स तो लैपटॉप पे भी आपको 40% डिस्काउंट देखने मिल रहा है 8 GB रैम वाले लैपटॉप के ऊपर। तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो ये लैपटॉप्स भी। बस आज की टेक्नोलॉजी यहाँ पे खत्म करते हैं, तो उम्मीद करते हैं आज की टेक्नोलॉजी आपको पसंद है। अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर दी, पसंद है डिसलाइक कर दी, कोई बार नहीं डिसलाइक भी करो तो आपको मर्जी। और पहुंचे तो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी डेली टेक्नोलॉजी आपको देखने मिलेगी। और वहीं मैं बात करूँ कल की वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे एंड स्क्रीन पे आप देख सकते हो। और मेरे को फटाफट जाइए फॉलो कर लीजिए टिकटॉक पे एंड ट्विटर पे एंड यूट्यूब चैनल पे, इन तीनों जगह पे फॉलो कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। कीप स्माइल एंड कीप सपोर्ट।